मूवी में बताया गया है कि मनुष्यों का एवोल्यूशन एक नया मोड़ लेने वाला है और अब मनुष्य बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख होने लगेंगे। इस वजह से यूएस आर्मी ने एक आविष्कार किया है जिसकी मदद से एक मनुष्य का शरीर लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। इसका उपयोग कर वो अपने बेहतरीन लोगों को जीवित रखना चाहते हैं ताकि उन्हें जरूरत के समय दोबारा जिंदा कर दिया जाए। उस आविष्कार के प्रयोग के लिए जो और रीता को चुना गया है जिन्हें उस मशीन में रखा जाएगा और एक साल बाद दोबारा जीवित किया जाएगा। आविष्कार के प्रमुख इस प्रयोग को गोपनीय रूप से करने का फैसला लेते हैं। जो और रीता को उस मशीन में लिटा दिया जाता है लेकिन एक्सपेरिमेंट के प्रभारी को एक स्कैंडल में जेल हो जाती है। स्कैंडल की वजह से उस मिलिट्री बेस को तोड़ दिया जाता है और उन दोनों का शरीर मलबे में दब गया है। कई साल बीत गए हैं और मनुष्य तेजी से अपने सोचने की शक्ति खो रहे हैं। साल 2505 में इंसान इतने मूर्ख हो गए हैं कि उनको साधारण सी समस्याओं का समाधान कर पाना मुश्किल है। एक दिन कचरे से बना पहाड़ गिरने लगता है और जो की मशीन खुलती है जिससे वो बाहर आता है। जो को लग रहा है कि एक साल में बहुत कुछ बदल गया है। जो एक आदमी से पानी पूछता है तो वो उस पर हंसने लगता है और बताता है कि पानी सिर्फ टॉयलेट में इस्तेमाल होता है और लोग सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। जो एक हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर भी अजीब है और जो को पागल घोषित कर देता है। तभी जो को पता चलता है कि वो साल 2505 में पहुंच गया है। खिड़की से वो देखता है कि बिल्डिंग्स एक दूसरे पर गिर रही हैं और कुछ बिल्डिंग्स को रस्सी से बांधकर रोका गया है। डॉक्टर घबरा जाता है क्योंकि जो के पास नागरिक टैटू नहीं है, लेकिन जो वहां से भाग जाता है। वो एक एस्ट नाम की मूवी देखने जाता है जिसे कई सारे ऑस्कर्स मिले हैं और उस मूवी में लगातार 90 मिनट के लिए किसी की एस को दिखाया गया है जिसे देखकर लोग हंस रहे हैं। जो पकड़ा जाता है और उसे नागरिक टैटू देने के लिए उसका IQ टेस्ट करवाया जाता है जहां साधारण से गणित के सवाल पूछे गए हैं। जो सबके जवाब देता है और वो हैरान है कि दूसरे लोग आसान से सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जेल जाने के दौरान उसे पता चलता है कि मौजूदा दुनिया में सब मूर्ख हैं। वो जेल के गार्ड से कहता है कि उसकी सजा आज पूरी हो गई है और वो आज रिहा होने वाला है। ये सुनकर गार्ड उसको रिहा कर देता है, लेकिन बाहर जाने वक्त अलार्म बचने लगती है। जो को रीता मिलती है और कुछ ही देर बाद जो दोबारा पकड़ा जाता है, लेकिन इस बार पुलिस उसको जेल नहीं बल्कि व्हाइट हाउस लेकर जाती है जहां वो प्रेसिडेंट से मिलता है। सब लोग हैरान है क्योंकि जो ने IQ टेस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्होंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा है। प्रेसिडेंट कहता है कि अनाज की कमी और देश की समस्याओं का हल जो को निकालना होगा और ऐसा करने से उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। जो देखता है कि लोग खेत में पानी के बजाय एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग में वो कहता है कि खेत में पानी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो लोग इस विचार को सही नहीं मानते हैं और कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तब वो उन्हें कहता है कि वो पौधों से बात कर सकता है और पौधों ने उसे कहा है कि उनको पानी चाहिए, लेकिन इस वजह से अब एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री कम हो गई है और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर लोग दंगे करने लगे हैं। जो को दोबारा सजा सुना दी जाती है क्योंकि उसके उस विचार की वजह से ये सब हो रहा है। इस सजा में जो को एक स्टेडियम में ले जाया जाएगा जहां उसका पीछा एक ट्रक करेगी। ऐसी सजा में आमतौर पर दोषी को अंत में ट्रक से कुचल दिया जाता है। रीता को एक फूल दिखता है और खेतों में भी पौधे उगने लगे हैं। रीता एक कैमरामैन को पैसे देकर एक पौधे को स्क्रीन पर दिखाने लगती है। ये देखकर प्रेसिडेंट जो को बचा लेता है और उसको वाइस प्रेसिडेंट बना देता है और कुछ महीनों बाद जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।